हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई माह की कार्य योजना के विषय में कि हमें मई माह की कार्य योजना को अपनी मीना पंजिका में कैसे मेंटेन करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार हमें मई माह में विभागीय आदेश मिला था कि हमें माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर कार्य करना है, तो हमने उसी पर कार्य किया था। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाल लेनी है मई माह की कार्य योजना और डेट डाल लेना है। फिर टॉपिक लिख लिया है मैंने कि मैंने किस टॉपिक पर कार्य किया है। माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के अंतर्गत बालिकाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग, देखभाल तथा उनके निपटान से संबंधित चर्चा परिचर्चा तथा पहली की सहेली फिल्म दिखाना तथा इस कार्य हेतु पुरातन छात्राओं को विद्यालय बुलाया गया। फिर आप इस तरह से मैटर लिख लीजिए, आज दिनांक 7/5/2022 दिन शनिवार को हमारे विद्यालय कंपोजिट स्कूल लोधीपुर के प्रांगण में मीना राजू मंच के माध्यम से मीना कच्छ में मीना सुगमकर्ता कामिनी गुप्ता ने नवीन छात्राओं और पुरातन छात्राओं के साथ माहवारी स्वच्छता प्रबंधन पर चर्चा कर बालिकाओं को सैनिटरी पैड के उपयोग, देखभाल और उनका निपटान कैसे करें उसके विषय में अत्यंत ही रोचक ढंग से छात्राओं को समझाया। छात्राओं द्वारा उत्सुकतावश कई प्रश्न पूछे गए, जिसे पुरातन छात्राओं व मीना सुगमकर्ता ने जवाब देकर संतुष्ट किया। आज के इस मीना कच्छ संचालन में सभी बालिकाओं ने सीखा कि माहवारी स्वच्छता के प्रबंधन के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बाद में पुरातन छात्राओं और नवीन छात्राओं ने मीना सुगमकर्ता के साथ मिलकर एक माहवारी स्वच्छता प्रबंधन कैलेंडर भी परिकल्पित किया। इस प्रकार से आप पूरे मैटर को आप लिख लीजिए और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें या कुछ नया किया हो तो उसको आप कर सकती हैं। एक बार मैं फिर से आपको पूरा पेज दिखा दे रही हूँ, और कभी कभी पिक्चर्स क्लियर नहीं आती है इसलिए मैं सारा मैटर पढ़ देती हूँ ताकि आप उसको ईजिली अपनी मीना पंजिका में नोट कर सकें, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।